इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती दबा लेते हैं, जबरदस्ती रोक लेते हैं या रोकने का प्रयास करते हैं। शर्म के कारण से, समाज के भय के कारण से, किसी लोभ लालच के कारण से, डर के कारण से, मर्यादा का नाम दे करके, और भी सैकड़ों कारण हो सकते हैं। तो ऐसे लोग साधना भी शुरू नहीं हुई है। ऐसे लोगों के बारे में आप सोच नहीं सकते कि वो कैसे होते हैं। गीता जी में भी कहा गया है, कर्मेंद्रियाणि संयमये ये आस्ते मनसा सिमरन इंद्रियार्थोन विमूढा मिथ्याचारः स उच्यते। यानी जो अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक रोक लेता है, यानी जबरदस्ती रोक लेता है, या किसी भी कारण से, मैंने पहले भी बताया, इंद्रियों को तो रोक लेता है लेकिन मन को नहीं रोक पाता, वो ध्यान नहीं है, वो साधना नहीं है, वो मिथ्याचार है, वो पाखंड है, वो झूठ है, वो दिखावा है, वो छलावा है, वो आपको गिरा देगा, वो आपको उस स्थिति तक नहीं जाने देगा। अगर आप बलपूर्वक रोक लो, कोई सुंदर वस्तु दिखाई दी, मन कर रहा है कि इसको देखूं मैं, और अंदर में डर है कि मैंने देखा और कुछ गलत हो जाएगा, मन कर रहा है मैं इसको छूं, हाथ को रोके हुए है, कहीं कोई पिटाई ना करते, कहीं जो इनके साथ है उसके साथ झगड़ा ना हो जाए, ये साधना नहीं है, ये साधना का मार्ग भी नहीं है कि मन छटपटाता रहे कि मैं इस ओर बढ़ूं, ये कर्म करूं, इंद्रियों को रोक लिया जाए जबरदस्ती हठपूर्वक, ये साधना नहीं है, ये साधना का मार्ग भी नहीं। तो आप कोशिश तो करते होंगे, आप समझ भी गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान में कहीं बैठे हुए हैं और आपकी जो भावनाएं हैं वो कहीं और चल रही है। आप बैठे बैठे, कोई प्लाट बेचता रहता है, कोई ड्यूटी करता रहता है, कोई थानेदारी दिखाता रहता है, कोई अपनी फैक्ट्री को देखता रहता है बैठे बैठे, कोई बच्चों को देखता रहता है, कोई स्कूल को देखता रहता है, कोई लड़कियों को देखता रहता है, कोई लड़कों को देखती रहती है, कुछ कुछ विचार जितने भी संसार के अंदर होते हैं और सोचते रहते हैं कैसे क्या हो, कैसे साधना हो, अरे बैठे हुए हो, बस इन चीजों को रोक दो, जगा दो मन को, हो गई साधना, इंद्रियों को जगा दो, हो गई साधना, मन को पकड़ लो, हो गई साधना, विचार अपने मिटा दो, हो गई साधना, अहंकार को समाप्त करो, हो गई साधना, अंतःकरण को जीत लो, हो गई साधना। अगर इतना भी ना कर पाओ तो समर्पण करो परमात्मा को, हो गई साधना। अगर ये भी ना कर पाओ तो फिर भूल जाओ कि आपकी साधना हो रही है। सब मिथ्या वाद चल रहा है, ध्यान से दूर जा रहे हैं, साधना से दूर जा रहे हैं,
ज्ञान से दूर जा रहे हैं, हठ पूर्वक जबरदस्ती भागने की कोशिश है, कहां भागोगे? समय से कहां भागोगे? खुद से कितना भागोगे? परमात्मा से कहां भागोगे? गुरु से कहां भागोगे? ये जीव कहां तक भागेगा? भाग भाग करके मानव चोला प्राप्त किया, दौड़ दौड़ करके बहुत जन्मों सदियों युगों बाद ये मुका हाथ लगा, और अब भी अगर आप भागते रहे तो कब जागे? और जब तक नहीं जागे, इन चीजों के ऊपर पकड़ नहीं की, साधना को करने का प्रयास नहीं किया, और जबरदस्ती हठपूर्वक इन चीजों को रोक दिया गया, जैसे एक नदी चल रही है, या तो हम उसके ऊपर बांध बनाएं, दूसरा रास्ता दे दें उसको, दूसरी तरफ वो मुड़ जाए, नहीं तो अगर दूसरा रास्ता दिए बगैर ही उसके ऊपर बांध बना करके रोक दी जाए, जो पीछे जल चढ़ेगा वो विनाशकारी होगा, गांव को डुबो देगा, खेतों को डुबो देगा, फसलों को डुबो देगा, पशुओं को डुबो देगा, बहुत जन धन हानि होगी। उसी प्रकार से बिना दिशा दिए इन इंद्रियों को हठपूर्वक रोक दिया जाए तो ये हानि ही होगी, साधना की भी, शरीर की भी, और आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आप दबाने की कोशिश मत कीजिए, मन को जगाने की कोशिश कीजिए, जितना आप जागोगे उतना ही ऊपर चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, परमात्मा के करीब चले जाओगे, नहीं तो आप इसी मिथ्या भरम में कि मैं साधक हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैंने इंद्रियों को रोक लिया, मैंने इंद्रियों के ऊपर पकड़ बना ली, ये मिथ्या भरम आपको एक न एक दिन डुबो देगा। तो आप साधना की शुरुआत करें, मिथ्या भरम को त्याग दीजिए, और हठपूर्वक इंद्रियों को ना रोक करके इस मन को जगाने का प्रयास कीजिए।